सबसे पहले रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो बच्चों सीरीज की एक खास बात होती है, वो खास बात ये होती है कि सीरीज में करंट सेम रहता है। तो हमने माना हमने तीन रेजिस्टेंस ले लिए, R1, R2 एंड R3। आप मल्टीपल और भी ले सकते थे, कितने भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। इन्हें हमने वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसने आई करंट सप्लाई किया। ठीक हो गई इतनी सी बात। आर वन के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप था V1, R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप था V2, R3 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप था V3। क्लियर हो गया इतनी सी बात। करंट सेम रहता है, यानी कि तीनों में करंट सेम है, आई है। तो पहले वाले का आई V इज इक्वल टू आई आर, तो V1 इक्वल्स टू आई R1, ऐसे ही V2 इक्वल्स टू, और ऐसे ही V3 इक्वल्स टू। अब मैंने आपसे कहा इन तीनों का रिजल्टेंट हमने माना आर नेट, ठीक है ना। वी वोल्टेज बैटरी ने सप्लाई करी थी, तो एक्चुअल वी शुड बी इज इक्वल टू आई आर नेट, है ना। अब सर्किट डायग्राम का रूल ये कहता है टोटल पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वेरियस रेजिस्टर्स, अलग अलग रेजिस्टर्स के अक्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उसका टोटल शुड बी इक्वल टू वोल्टेज सप्लाइड। तो वी शुड बी इक्वल टू ऐसा, ठीक। ये बात क्लियर, किसको समझ नहीं आया यहां तक। वैल्यूज डालो, सबकी वैल्यूज है डालो। आई आर नेट इक्वल्स टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। राइट हैंड साइड से आई कॉमन ले सकते हैं, लेके कैंसिल कर दिया लेफ्ट हैंड साइड वाले आई को, तो एक स्टेटमेंट आई आर नेट इक्वल्स टू, ये आपका रिजल्टेंट ऑफ सीरीज है। तो कहता है कि मान लीजिए हमने 1, 2 और 3 तीन ये रेजिस्टर सीरीज में लगाए, 1, 2 एंड 3, तो टोटल कितना हुआ है, ये सबसे बड़े वाले से भी बड़ा है कि नहीं है, सबसे ज्यादा वाले से भी ज्यादा है। तो सीरीज में लगाने का फायदा यह होता है, मान लीजिए आपको कहीं पर हीटिंग इफेक्ट थी लेकिन आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है बड़े रेजिस्टर की, छोटे छोटे हैं, तो आपने क्या करा, सारे छोटे छोटे सीरीज में ऐड करते गए करते गए करते गए, नेट रिजल्टेंट ज्यादा हो गया, उससे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। ये बात समझ में आ गई। तो वो लोग क्या करते हैं, प्रेस, अगर आप अपने घर में प्रेस देखेंगे वो वाली आयरन प्रेस जो होती है, तो उसको नीचे से अगर खोलेंगे तो नीचे ना जाल है, बहुत सारे रेजिस्टेंस तारों का जाल बना होता है, एक गुच्छा सा, जैसे वो आता है बर्तन साफ करने वाला डिश वॉशर जूना, जिसे जूना कहते हो आप लोग, स्टील का जूना, वैसा जाल होता है उसके अंदर। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक केटल देखी होगी आप लोगों ने, इसी तरीके से आप लोगों ने इलेक्ट्रिक हीटर्स देखे होंगे, वहां पर सब में रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया जाता है हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, किया जाता है कि नहीं। नेक्स्ट आता है पैरेलल अरेंजमेंट। तो बच्चों पैरेलल अरेंजमेंट में बाय सर्किट रूल हमें यह पता है कि जब भी रेजिस्टर्स पैरेलल में होंगे या सर्किट में कोई भी चीज पैरेलल में लगी होगी, कोई भी रेजिस्टेंस हो सकता है, पंखा लाइट बल्ब कुछ भी, XYZ, वोल्टेज सेम रहती है, ठीक। वोल्टेज नहीं, वोल्टेज ड्रॉप सेम रहता है एक्चुअली। तो होता क्या है बच्चों, ये देखिए, लेट्स से R1, लेट्स से R2, लेट्स से R3, ठीक हो गया। वोल्टेज ड्रॉप तीनों के अक्रॉस V है, सिंपल वही बैटरी V, और करंट सप्लाई था I। अब होता क्या है पैरेलल में, देखो करंट ये कहता है कि मैं उस रास्ते से जाऊंगा जिस रास्ते रुकावट कम होगी, जिस रास्ते रेजिस्टेंस कम होगा। तो करंट जब यहां से चल के यहां पहुंचता है, तीन हिस्सों में बढ़ जाता है, I1, I2 एंड I3, ठीक होगी इतनी सी बात। I1 इक्वल्स टू V/R1, I2 इक्वल्स टू V/R2 एंड I3 इक्वल्स टू V/R3। अब हाँ जी, I1, I2, I3, हाँ हाँ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमने तो मान लिया कि इस ब्रांच में जो करंट गया था वो I1 था, इस ब्रांच में जो गया वो I2 था, और इस ब्रांच में जो गया वो I3, उसकी वैल्यू क्या है, उससे कोई मतलब नहीं।
हमें नहीं मतलब उससे, हमें सिर्फ ये बताना है कि करंट अब हुआ क्या। ध्यान से देखो, करंट जो यहां पर पहुंचा वो तीन हिस्सों में बटा, उसके बाद जब वो इस जंक्शन पे पहुंचा तो वापस जुड़ गया और यहां पर आपको वापस से आई करंट मिला। तो कहने का मतलब ये है आई शुड बी इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस, फिर हमने कहा इन सारे रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट है आर नेट, तो आई शुड बी इक्वल टू वी अपॉन आर नेट, वी इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो क्योंकि मैं टोटल करंट की बात कर रहा हूं तो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, क्लियर, इक्वल्स टू V by R1 plus V by R2 plus V by R3। कॉमन लेके काट दे, 1 upon R net equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। तो बच्चों ये आपका रिजल्टेंट है पैरेलल का। अब मान लिया फिर से वही 1 2 3 वाले तीन रेजिस्टेंस पकड़ लिए, 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 3, कौन बताएगा इसका टोटल कितना है? इलेवन अपॉन सिक्स, बट दिस इज वन अपॉन आर नेट। बच्चों ये जनरल गलती करते हैं, आर नेट इज सिक्स अपॉन इलेवन, सिक्स अपॉन इलेवन कितना होता है बताएगा? 0.54 लगभग इतना। हमने कौन से तीन रेजिस्टेंस लिए थे? 1, 2 एंड 3। जो रिजल्टेंट आया वो सबसे कम वाले से भी कम था, जो रिजल्टेंट आया वो सबसे कम वाले से भी कम था। तो हमारे घरों में जितनी वायरिंग होती है वो सारी पैरेलल सिस्टम के तहत होती है। उसके दो कारण, पहला कारण तो टोटल रेजिस्टेंस कम रहेगा, उससे क्या होगा? एनर्जी लॉस नहीं होगी, एनर्जी लॉस नहीं होगी तो बिलिंग कम आएगी। दूसरा, जितने भी हमारे अप्लायंसेस हैं जो हम मार्केट से खरीद के लाते हैं वो सारे 220 वोल्ट पर बेस्ट ऑपरेट करते हैं, उनकी बेस्ट कंडीशन रहेगी, बेस्ट आउटपुट रहेगा, हर चीज बेस्ट रहेगी 220 वोल्ट पर। तो वोल्टेज को मेंटेन रखने के लिए हम पैरेलल अरेंजमेंट यूज करते हैं, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास इस चैप्टर में है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ऐसा है कि देखिए, कहता है कि जब भी किसी सर्किट से या किसी भी कंडक्टर में से करंट होकर गुजरेगा, करंट होकर कभी गुजरता नहीं है, करंट फ्लो कराया जाता है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी, करंट एक्चुअली में फ्लो कराया जाता है, होके गुजरना कुछ नहीं होता। तो जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो कराया जाएगा तो उस दौरान उस करंट की वजह से दो इफेक्ट जनरेट हो सकते हैं, एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट और एक होता है हीटिंग इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट तो हम अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी इस चैप्टर में उसने बोला हीटिंग इफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो कहता है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हमारे बड़े काम का होता है, कई कई जगहों पर हमें गर्म करंट की मदद से हीट एनर्जी बनानी होती है तो वहां पर हम इस इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था एक चीज होती है रेजिस्टेंस, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट, कितनी रुकावट करंट के रास्ते में आ रही है, करंट के फ्लो के रास्ते में आ रही है, और करंट के फ्लो से मेरा मतलब है चार्ज के फ्लो। तो चार्ज के फ्लो के रास्ते में कितनी रुकावट आ रही है वो रेजिस्टेंस है। अगर ये रुकावट ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, फ्रिक्शन मतलब आपसी तनाव। जैसे दो लोग अगर बहस कर रहे हैं, कम फ्रिक्शन है तो बहस करेंगे, ज्यादा तनाव है दोनों के बीच में, फ्रिक्शन ज्यादा है तो लड़ाई भी हो सकती है, फिर मार पिटाई भी हो सकती है, फिर कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब जैसे जैसे दो लोगों के बीच में फ्रिक्शन बढ़ता है वैसे वैसे गर्मी बढ़ती है। तो यही चीज यहां पर भी होती है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फ्रिक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और ये हीटिंग इफेक्ट हमारे बड़े काम का होता है। इसके तीन फॉर्मूले हैं बच्चों, वो आप लोगों ने याद करने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है H इक्वल्स टू वी आई टी, दूसरा फॉर्मूला V स्क्वायर बाय R इंटू टी, तीसरा फॉर्मूला I स्क्वायर R टी। तो इन तीन फॉर्मूलों से आप हीटिंग इफेक्ट निकाल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो ऐसा नहीं कि मैंने एक फॉर्मूला याद किया और मैं उसी के पीछे लग जाऊं कि यार इसमें ये वाली वैल्यू तो देनी रखी तो मैं हीटिंग इफेक्ट कैसे निकालूं। तो अगर आपको क्वेश्चन में आई और आर दे रखा है, वी और टी दे रखा है ना, और वी और सॉरी वी और आर दे रखा है और वी और आई दे रखा है, तो तीन चीजें हैं वी आई और आर,
और तीनों के पॉसिबल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले लिखे हुए। क्लियर हो गई इतनी सी बात? अच्छा, यूनिट की बात कर लेते हैं। क्या यूनिट है बच्चों? या फिर किलो जूल्स, हीटिंग इफेक्ट। और हमने फिर एक वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी, वो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है यही वर्क डन है, वो यही तो कहती है कि यही वर्क डन है, जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो हीटिंग इफेक्ट इज एनर्जी, एनर्जी इज वर्क डन। क्लियर हो इतनी सी बात? इसके बाद कहां कहां पर इस्तेमाल होता है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, हेयर ड्रायर, वाटर हीटर, गीजर, इंडक्शन प्लेट और ये सो वो सो, जहां जहां आप करंट की मदद से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां सारी जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखो बच्चों, हीटिंग इफेक्ट में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है एनर्जी लॉस। अब मैं आपसे कहता हूं कपड़े प्रेस करने हैं, तो आपने आयरन गर्म करी, आपने कपड़ा प्रेस किया, क्या वो उसके बाद तुरंत ठंडी हो जाती है? या क्या आप एक बार आयरन ऑन करके फिर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर देते हैं और सारे कपड़े होते हैं वो सारे प्रेस कर लेते हैं? बिजली की सप्लाई भी जारी रहेगी, हीटिंग इफेक्ट भी जारी रहेगा, सारा हीटिंग इफेक्ट आप यूज भी नहीं कर रहे तो लॉस ऑफ एनर्जी भी रहेगा ही रहेगा। तो सबसे ज्यादा लॉस ऑफ एनर्जी होता है जब हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है करंट, सबसे ज्यादा लॉस ऑफ एनर्जी। अब एक रोशनी वाला बल्ब, अब वो आजकल तो देखा होगा तुम लोगों ने, पहले नहीं, आजकल शायद कम है, पहले जमाने में बहुत होता था वो, पेटीज गर्म करने के लिए ना, समोसे गर्म करने के लिए वो एक बड़ा सावन लगाता था उसमें बल्ब जला देता था, वो बल्ब से ही गर्म रहते थे, 200 वाट का बल्ब जलाया, बल्ब से ही गर्म है वो सारा सामान। क्यों? क्योंकि लाइट के लिए बना था बल्ब, हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो गर्म भी होता है। तो उस गर्मी का अगर मैं सिंपल दीवार पे लगा दूं बल्ब, मुझे तो नहीं चाहिए उसका हीटिंग इफेक्ट, ये हीटिंग इफेक्ट तो मेरी रोशनी, मेरी एनर्जी लॉस कर रहा है और ये एनर्जी लॉस मेरे बिल में आ रही है, तो मैं पैसा दे रहा हूं लेकिन यूज नहीं कर रहा हूं। तो फिर बने नए एलसीडीज, जो एलईडीज आ गए, एलईडी लैंप्स आ गए, अब तो फिर एलसीडीज आ गई, फिर धीरे 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 धीरे, ये सब क्या है? ये सब एनर्जी लॉस को कम करने के तरीके हैं। तो कोई आपको पहले जमाने में वो पीला वाला बल्ब ला के दे दे 100 वाट का, कहेगा इसे लगा लो जी, ये 5 स्टार रेटिंग है। नहीं, पॉसिबल ही नहीं, वो एनर्जी लॉस करेगा ही करेगा। 5 स्टार रेटिंग नए वालों की है, क्योंकि वो एनर्जी लॉस नहीं करते, वो गर्म नहीं होते। रात भर जला के रखो, कुछ नहीं होगा, सुबह ठंडा होगा, वो वाला जला लो सब पीली रोशनी वाला, 1 घंटे में ऐसे गर्म हो रखा होता है कि हाथ लगाना मुश्किल है उसमें। समझ में आ गई सारी बातें? तो ये फायदेमंद भी है ये सौदा, और ये नुकसान का भी है। ठीक, दूसरा इसमें जो अगला टॉपिक है वो है पावर। तो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस काम को आप कितनी जल्दी कर सकते हो, दैट इज पावर। तो पावर की यूनिट बच्चों, वर्क डन की यूनिट, टाइम की। अगर 1 जूल का काम 1 सेकंड में किया गया तो पावर क्या आएगी? 1 वॉट। क्लियर हो गई इतनी सी बात? जितने ये एच के फॉर्मूले हैं इन्हें सबको टी से डिवाइड कर दो, पावर के फॉर्मूले आ गए। चलो, पावर इज इक्वल टू वी आई, वी स्क्वायर बाय आर एंड आई स्क्वायर आर। इतनी सी बात क्लियर है? तो आपने ये याद करने हैं, ये अपने आप होगा। ठीक, उसके बाद आता है एनर्जी कंजम्पशन या फिर हाउस होल्ड एनर्जी वाला जो टॉपिक है। तो अब मैंने आप लोगों को बात पहले भी बताई थी कि जो हमारे घरों में बिजली का बिल आता है वो हमारी एनर्जी कंजम्पशन के हिसाब से आता है। तो अगर आप अपने घरों के बाहर लगे हुए मीटरों को देखेंगे तो आप ऐसा पाएंगे कि कुछ यूनिट्स लिखी हुई हैं और लास्ट में क्या लिखा है, KWH छोटा सा, दिस इज किलोवाट आवर। ये 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। और आपके घर में जो बिजली वाले भैया आते हैं जो बिल निकालते हैं, आजकल तो इंस्टेंट बिल है, पहले तो विभाग से आता था, किसी का 3 महीने में आ रहा, किसी का 6 महीने में आ रहा, अब आजकल क्या वो डेली आता है आपके घर पे, रीडिंग लेगा, तुरंत डालेगा, तुरंत हाथ में बिल पकड़ा के चला जाएगा। अब अगर आप उस बिल को ध्यान से देखें तो उसमें कैलकुलेशन होती है यूनिट कंज्यूम्ड के हिसाब से, आपने कितनी यूनिट यूज करी मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। अच्छा, उसमें भी ब्रैकेट्स है। देखो, सरकार बिजली में हमें क्या रियायत देती है ये एक डिफरेंट चीज है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा बिल किस हिसाब से आ रहा है, एनर्जी कंजम्पशन के हिसाब से। तो टीवी में एड भी आते हैं, फिर ये 4 स्टार फ्रिज है, ये 5 स्टार एसी है, बिजली बचाओ एनर्जी बचाओ, वो ऐसा बोलता है एनर्जी सेवर, और उससे आपका बिजली का बिल कम आता है, ऐसे ही होता है, टीवी में एड ऐसे आते हैं। तो एनर्जी के हिसाब से आपका बिल आता है, एनर्जी के हिसाब से बिल कैसे आता है, पावर इंटू टाइम। तो अगर पावर की यूनिट किलोवाट है और टाइम की यूनिट आर है तो 1 किलोवाट आर बनेगा और ये 1 यूनिट के बराबर होता है। तो अगर 1 घंटे में
कोई अप्लायंस 1 किलोवाट की पावर जनरेट कर रहा है तो उसकी कंजम्पशन है 1 यूनिट। फिर से, अगर 1 घंटे के लिए एक अप्लायंस चलाया, उसने 1 किलोवाट की पावर जनरेट करी तो उसका एनर्जी कंजम्पशन है 1 यूनिट। और 1 किलोवाट आवर को, क्योंकि ये एनर्जी की यूनिट है, इसे हम जूल में चेंज कर सकते हैं, 10 की पावर 6। तो ये जूल में भी कन्वर्ट हो सकती है, इसी तरीके से कैलोरीज में भी कन्वर्ट हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन हमें क्या दे रखा है और क्या करना है। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी?